और अब बात राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मचे घमासान की। मकर संक्रांति पर अयोध्या जाएंगे कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता। कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इसे लेकर बयान दिया है और कहा है कि लखनऊ कांग्रेस दफ्तर से अयोध्या जाएंगे तमाम कांग्रेसी नेता। सरयू में डुबकी लगाकर करेंगे दर्शन पूजन। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराया है। ये ट्वीट यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का है। अजय राय ने इस ट्वीट में पहले भगवान राम के स्वरूप पर कुछ पंक्तियां लिखी, फिर लिखा कि राम पर भला किसका अधिकार हो सकता है। इस सवाल के बाद इस ट्वीट के जरिए अजय राय बताते हैं कि मकर संक्रांति पर यूपी के कांग्रेस कार्यकर्ता लखनऊ में पार्टी मुख्यालय से रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे और सरयू नदी में डुबकी लगाकर हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन करेंगे। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण ठुकरा दिया था। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि बीजेपी और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। साफ है कि एक अर्थ निर्मित मंदिर का उद्घाटन सिर्फ चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पार्टी के इस फैसले को दुखद बताया। भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार न करना ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टदायक है। तो वही कांग्रेस के फैसले पर टीवी 9 से गिरिराज सिंह ने कहा, कांग्रेस के डीएनए में है हिंदू विरोध, कांग्रेस में नैतिक ताकत नहीं है। कांग्रेस ने राम को कोर्ट में लटकाने भटकाने का काम किया। एंटी हिंदू नहीं होते, न्योता क्यों करते अस्वीकार। तो गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में कहें तो राजद के चाहे विधायक हों, मंत्री हों, जेडीयू के सांसद हों, लेकिन अब कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सोनिया गांधी ने कहा है कि हम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। ये एजेंडा है आरएसएस और बीजेपी का। देखिए, कांग्रेस के डीएनए में है हिंदू विरोधी। आज तक नेहरू जी से लेकर के राहुल गांधी तक कौन अयोध्या गया? क्या बीजेपी पकड़े हुए थी और हिंदू विरोधी नहीं थे? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कुनमा, स्टालिन का कुनमा, जब सनातन को खत्म करने की बात की तो कांग्रेस उसके पीठ पर खड़ा था। ये हिंदू विरोधी हैं, मुस्लिम परस्त हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। बिहार में चाहे लालू जी हों, नीतीश जी हों, निमंत्रण देने के लिए हफ्तों हफ्ता बैठा रहा, समय नहीं दिया, लेकिन आज किसी मस्जिद से, किसी दरगाह से अगर आ जाता निमंत्रण के लिए नीतीश बाबू को, दरवाज़ा भी खोल देते और वहाँ जाकर के माथे पर टोकरी भी उठा लेते और चादर पोशी भी करते। यही इनका तुष्टीकरण है, मुस्लिम तुष्टीकरण, यही इनका वोट तुष्टिकरण है, वोट के लिए ये सब लोग करते हैं। एक तो नहीं जाएंगे और दूसरा राम पर, राम मंदिर पर, अयोध्या पर, जमीन पर भी बात पैदा करेंगे। अगर ये लोग राम के समर्थक, सनातन के समर्थक होते, इतने दिनों तक सत्ता में कांग्रेस रही, अभी कुनमा कांग्रेस के साथ है, इंडी कुनमा, इनसे पूछे ना राम क्यों टेंट में इतने दिनों तक रहा। यही लोगों के चलते केस में लटकाया भटकाया। 19 में तो कपिल सिब्बल ने कह दिया कि हजूर अभी नहीं इस पर निर्णय किया जाए, लेकिन प्रभु श्री राम ने खुद अपना निर्णय, कोर्ट ने निर्णय दिया और आज पूरा समस्त हिंदू सनातन उनके जय जयकार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनमानस सनातन समर्थक है, जो इसका विरोध करेगा वो बह जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आपने सुना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। चुनाव में जनता करेगी कांग्रेस का बहिष्कार, सनातन विरोधी है कांग्रेस, ये अनुराग ठाकुर ने कहा।
राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण ठुकराने के बाद कांग्रेस अब बीजेपी के निशाने पर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि वह वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। अब कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करके अपनी सनातन विरोधी मानसिकता को एक बार फिर जाहिर कर दिया है। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में देश की जनता कांग्रेस का बहिष्कार करेगी। ये वही कांग्रेस है जो बार बार राम के नाम पर आलोचना करती है। ये वही कांग्रेस है जो राम सेतु से लेके अन्य बातों पर भी विरोध ही करती आई है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। वहीं पटना में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि समारोह का न्योता ठुकराकर कांग्रेस ने बता दिया कि वो राम मंदिर बनने से खुश नहीं है। आज आम सहमति से इतना बड़ा भव्य मंदिर बना है। पहले कहते थे कि कोर्ट से फैसला हुआ तो हम मानेंगे। इन्होंने सदैव विरोध किया था राम जन्मभूमि का और आज कांग्रेस पार्टी उसी मानसिकता के दबाव में है जो ये शाहबानों के मामले में झुकी थी। और सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के फैसले पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस ने सनातन का अपमान किया है, न्योता ठुकराना सनातन विरोधी सोच है। भगवान के आड़ में ये लोग वोट ले रहे हैं, अगर हिम्मत है तो रोजगार देकर वोट ले, स्वास्थ्य शिक्षा पर वोट ले, भाईचारे बंदी पर कर ले, अर्थव्यवस्था पर कर ले। अर्थव्यवस्था थोड़ा बढ़ रही है, अरे भारत की पॉपुलेशन इतनी अधिक है, कंजम्पशन ही इतना अधिक है, तो नेचुरली थोड़ा बहुत ग्रोथ तो लेगी लोग, तो बड़ा अच्छा किया है और किसी को नहीं जाना चाहिए। ये आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम है और ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं, राजनीतिक कार्यक्रम है। इंडिया अलायंस ने सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की, अपमानित किया और अब इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि ये नेहरू की कांग्रेस है, महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है। गांधी जी की कांग्रेस तो राम राज्य की बात करती। ये नेहरू की कांग्रेस है, ये गांधी की कांग्रेस नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम। और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया है। राम जी हमारे कण कण में है और हम मोदी जी के इवेंट में नहीं जाएंगे। आप समझो, वो इवेंट की बात हुई है कि जो मोदी जी का इवेंट है, मोदी जी का इन्विटेशन है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन राम मंदिर जिसके जिसके दरवाजे राजीव गांधी ने खोले, राम जी हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं, हम वहां पर जाएंगे लेकिन उनके बुलाने से नहीं जाएंगे और उनके कहने से नहीं जाएंगे। जब जाएंगे, उनको इनविटेशन तीन लोगों को आया है कि आप आइए। अब मोदी जी का हमने भाषण सुनने जाना है,